तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक, तो फैक्ट 15 में तुम्हारा स्वागत है। और प्लीज इस वीडियो पे 150 लाइक पूरे करा देना, पिछली वाली वीडियो सुपर फ्लॉप हुई थी तो प्लीज कर देना। तो बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार, अगर तुम बहुत लंबे टाइम से ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो तुमने मिस्टीरियस नूडल ईटर के बारे में तो सुना ही होगा। तो यार, क्या तुम्हें पता है कि मिस्टीरियस नूडल ईटर कितरेसू के एपिसोड 205 में अपीयर हुआ था? ये वही एपिसोड है जिसमें कितरेसू और बाकी सबके पेरेंट्स आधी रात को नूडल्स खाने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे में ये मिस्टीरियस नूडल ईटर देखने को मिलता है। यानी कि ये कैरेक्टर कितरेसू में भी अपीयर हुआ है। अब यार, अगर तुमने कितरेसू का वो एपिसोड देखा होगा जिसमें कि वो लोग ऑटो ही में से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो यार इस एपिसोड में कितरेसू के पास्ट में जाने का मकसद होता है उरासीमा तारू की स्टोरी के राइटर को स्टोरी चेंज करने पे मजबूर करना, और इसमें कोरोसुके खुद टर्टल बनके स्टोरी को चेंज करने की भी कोशिश करता है, बट एट द लास्ट उन्हें पता चलता है कि वो स्टोरी का राइटर नहीं है। पर एक्चुअल में कितरेसू के एपिसोड में हमें ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली में उरासीमा तारू की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। उस इंसान ने कछुए को नहीं बल्कि कछुए ने बच्चों को बचाया था, और ऑटो हीमे वाले एपिसोड में कितरेसू यही चाहता था कि ऐसा ही हो। मतलब तुम देख रहे हो किस हिसाब का कोइंसिडेंस है। और जब हमें ये पता चलता है कि असली स्टोरी ये है कि कछुए ने कुछ बच्चों को बचाया था, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऑटो हीमे वाले एपिसोड में कितरेसू गलत टाइमलाइन में गया था। अब यार, अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया था एपिसोड 293 के बारे में, जिसमें कोरोसुके कुछ देर के लिए फ्यूचर में चला जाता है। तो यार, क्या तुमने नोटिस किया था कि इस एपिसोड में कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर के कोरोसुके को भी दिखाया जाता है? आई नो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बट जब ये लड़की कितरेसू को फोन करती है और कितरेसू कोरोसुके चिल्ला रहा होता है, तब फ्यूचर का कोरोसुके बाहर आता है और तुम देख सकते हो अभी इसकी मूंछें नहीं आई है, या इसने अभी तक मूंछें लगाई नहीं है। और ये भी देख सकते हो अभी का कोरोसुके और फ्यूचर का कोरोसुके बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अब यार, मुझे नहीं पता मैंने ये फैक्ट तुम्हें पहले बताया है या नहीं बताया, क्योंकि पहले मेरे पास सोर्स नहीं थे, बट अभी मेरे पास सोर्स है। तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि कितरेसू के इनिशियल एपिसोड में बेन एक आवारा डॉग था, बट एपिसोड 170 के बाद बेन मिस्टर बेंजो का पालतू कुत्ता बन गया। ऐसा हो सकता है मैंने पहले ये बोला हो कि पहले बेन आवारा कुत्ता था और फिर बेंजो का हो गया, मैंने एपिसोड नंबर नहीं बोला होगा, पर एपिसोड 170 के बाद ऐसा हुआ। ये वही एपिसोड है जिसमें बेन मिस्टर बेंजो के लिए गिफ्ट लेके आता है और एट द लास्ट घायल हो जाता है और कितरेसू डॉग टॉक मशीन बनाता है। तो इसी एपिसोड के बाद बेन मिस्टर बेंजो का डॉग बन गया। अब यार, तुम्हारे दिमाग में कितरेसू के रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते होंगे। अब मैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, बट कितरेसू के बारे में मोस्ट गूगल किए गए क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे सकता हूँ। तो यह टॉप 3 मोस्ट क्वेश्चन अबाउट कितरेसू इन गूगल। फर्स्ट, इज डोरेमोन ए कॉपी ऑफ कितरेसू? सेम ऑथर होने पे कॉपी नहीं बोलते। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज कोरोसुके बॉर्न? एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड कितरेसू? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर जानना है तो तुम्हें स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिख रही है इसको जाके वॉच करना चाहिए, कितरेसू का फर्स्ट एपिसोड। इसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है, तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, अब वक्त है एक सॉफ्ट फैक्ट का। तो यार, सिंचान ने मसाओ, डोरेमोन के ओल्ड एनिमेशन में सिजुका और कोरोसुके, इन तीनों को सेम पर्सन ने वॉइस दी है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या तुम प्लीज कमेंट करके ये बता सकते हो कि तुम्हारा कितरेसू का देखा हुआ फर्स्ट एपिसोड कौन सा है, जो भी तुम्हें याद आता हो, जो कि तुमने लगभग शुरू से लेके अंत तक लगभग पूरा देखा हो। तो यार, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखा था एपिसोड 7। तो यार, इसे बस कार्टून नेटवर्क ने डब किया है और डिज्नी ने इसे डब नहीं किया है। तो यार, इस एपिसोड में कितरेसू मिस्टर बेंजो के लिए फॉरगेटेबल कैप बनाता है, क्योंकि मिस्टर बेंजो मिस यूके के बारे में सब कुछ बोलना चाहते थे। तो यार, आई होप कि तुमने ये एपिसोड देखा ही होगा, बट अगर नहीं देखा है तो अब इसे हिंदी में कभी नहीं देख पाओगे। पर तुम लोग जरूर 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 कमेंट करके बताना कि कौन सा तुमने एपिसोड देखा था, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। तो यार, जरूर से कमेंट कर देना ये, और प्लीज 150 लाइक्स करा देना यार वीडियो पे। लास्ट वीडियो पूरी सड़ चुकी है, तो आई होप कि आज की वीडियो में तुम्हें मजा आया होगा। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।